स्वागत है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनिचंदानंद द्वारा 35 बीघा रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व वन सचिव डीएफओ हरिद्वार जिलाधिकारी देहरादून सहित संबंधित विभागों से 2 सप्ताह में शपथ पत्र के विस्तृत जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा था, ऋषिकेश के निकट वीरपुर खुर्द वीरभद्र में मुनि चिंदानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 8 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। वहां पर 52 कमरे, एक बड़ा हॉल और गौशाला का निर्माण कर लिया है। यह याचिका हरिद्वार निवासी श्रीमती अर्चना शुक्ला द्वारा ऋषिकेश वीरपुर खुर्द रिजर्व फॉरेस्ट में मुनि चिदानंद द्वारा सन 2001 से किए जा रहे अतिक्रमण के बारे में है। उन्होंने वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट की करीब 35 बीघे जमीन को इनक्रोच कर लिया है। उस पर बिल्डिंगें बना दी हैं, हॉल बना दिए हैं, शौचालय बना दिए हैं और इसको वो कहते हैं ये मैं गऊ गंगा इसके लिए कर रहा हूँ।